हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद दीपेश कुमार में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए चैप्टर में लेकर आया हूँ, क्लास एट का चैप्टर नंबर 5 1 2 3। चैप्टर का नाम है 1 2 3 और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिसको पहले देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग आपका दिया हुआ है, शुरुआत करते हैं। पहले तो लिखा हुआ है बाउंडर। बाउंडर का मतलब होता है सोचना। बाउंडर का मतलब होता है सोचना। वंडर का मतलब सोचना। आपका फर्स्ट चैप्टर में भी बाउंडर मिला था, उसमें बताए थे कि बाउंडर का मतलब आश्चर्य भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा है ना, जो सोचने पर मजबूर करे है ना, आश्चर्यचकित हो। बाउंडर फील सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब ही होता है, सरप्राइज्ड का भी मतलब होता है कि कुछ ऐसा चीज़ जो आप नहीं जानते पहले से, और एक चीज़ आपको मिले, आश्चर्यचकित हो जाए या सरप्राइज्ड हो जाए है ना। फिर उसके बाद है गेस। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। फ्रॉम एन ओपिनियन। फ्रॉम एन ओपिनियन। ओपिनियन का भी मतलब होता है विचार है ना, एक अनुमान लगाना। ओपिनियन का भी मतलब विचार, अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। और डिस्पेरेट मतलब होता है निराश बेचैन। डिस्पेरेट का मतलब होता है निराश बेचैन। डिस्पेरेट फिलेड विद डिस्पेयर। फिलेड विद डिस्पेयर, निराश बेचैन परेशान है ना। आगे सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट। सेटिस्फाइड भी होता है सेटिस्फाई। मीट टू एक्सपेक्टेशन और डिजायर। डिजायर का मतलब होता है डिजायर ऑफ मन का इच्छा होना है ना, या संतुष्टि। मीट टू एक्सेप्टेशन है ना। आगे बढ़ते हैं। प्राइज मतलब होता है प्रेज भी कभी कभी पढ़ देते हैं, लेकिन प्रेस्ट सही है, प्रशंसा किया है ना। प्रेस्ट ईडी लगने से यहाँ पर किया लग गया है ना, ऐसे प्राइज मतलब होता है प्रशंसा, लेकिन जब इसमें ईडी लग गया तब ये वी टू हो गया यानी किया। अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात होगा तब तो किया होगा। एडमायर का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। सेपर्ड मतलब होता है गड़ेरिया है ना, जो भेड़ चढ़ाने वाले होते हैं उसे सेफर्ड कहा जाता है। पर्सन इम्प्लाइड टू टेंड। टेंड मतलब होता है व्यापार है ना, जो शिप का व्यापार करता है ना। इम्प्लाय मतलब होता है रोजगार करता है। पर्सन मतलब व्यक्ति। यानी भेड़ को चराने वाला को सेफर्ड कहा जाता है। वायलेंटली मतलब होता है विथ ग्रेट एनर्जी, जोर से। विथ ग्रेट एनर्जी का मतलब होता है जोर से है ना। डिनाई मतलब होता है इनकार करना है ना। आप जैसे आप कोई बात को लेकर के हम आपसे बोले कि चलो ये काम कर देना, बैड मीनिंग आप याद कर लेना, लेकिन आपने इनकार कर दिया कि सर ये बहुत नॉर्मल मीनिंग है, हम नहीं कर सकते हैं है ना, तो ये भी डिनाई हो गया एक तरीके से। डिक्लियर अनट्रू, इनकार करना। डिक्लियर्ड अनक्योर मतलब होता है साफ इनकार कर देना। बेगेड मतलब होता है अनुरोध। ऐसे बेग मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन इसके सेंस के अनुसार बर्ड मीनिंग का प्रयोग होता है। बेगेड मतलब यहाँ होगा आस्केड यर्नेस्टली हम्बली। यानी यर्नेस्टली हम्बली मतलब, हम्बली मतलब होता है विनम्रता पूर्वक जब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसको वहाँ पर बेग भी लिख सकते हैं। अनुरोध किया या विनती किया, अनुरोध किया या विनती किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं इस, उम्मीद करते हैं ये सब जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अक्सर आपकी जो दैनिक
क्रियाकलाप है उसमें भी आते रहते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लेंगे। आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 है ना, 1 2 3। इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले तो जैसे कि आपको फिगर में दर्शाया गया है कि किंग है, दरबारीगण है ना, एक पीपुल है। और स्टोरी के बारे में आप पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ रिच। वंस मतलब होता है एक। हम छोटा बड़ा हर वर्ड मीनिंग को चर्चा करते चलेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आपको अगर जो वर्ड मीनिंग नहीं आता है वीडियो को रोक करके एक कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे, है ना। वंस देयर वाज ए किंग अथी रिच सॉरी रिच एक रिच धनी व्यक्ति रहा करता था। एंड पावरफुल किंग, वो किंग था, सॉरी किंग था। ही थाउट दैट, ही मतलब होता है वह, ही मतलब वह, थाउट मतलब विचार किया कि, थाउट मतलब होता है सोचना विचारना, डैट मैंने की, नो वन कोई नहीं, इन द वर्ल्ड वाज द पावरफुल एज ही वाज। वो ऐसा एक बार सोचा कि वर्ल्ड हैज एज पावरफुल एज, जब किसी से तुलना किया जाता है ना तो आगे भी एज लगेगा और यहाँ भी एज, बीच में रहेगा एडजेक्टिव। नाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो पावर तो रहेगा और वो भी क्या है, फुल है, पावरफुल यानी शक्तिशाली। तो उनको ऐसा लगता था कि नो वन इन द वर्ल्ड एज पावरफुल एज ही वाज, है ना। उनको लगता था कि मैं जितना जो पावरफुल हूँ मेरे जैसा कोई और दूसरा संसार में पावरफुल नहीं हो सकता है। बट ही टोल्ड वन अबाउट इट, बट ही टोल्ड मतलब कहा, नो वन अबाउट इट, वह किसी से बोला नहीं, है ना, सोच ही रहा था। वन डे ही बिगेन टू बाउंडर वेदर अदर कुड गेस ही वाज थिंकिंग, है ना। बिगेन टू बाउंडर यानी वो शुरुआत कर रहा था। एंड वेदर ही कुड गेस अनुमान लगाया कि वाट ही थिंकिंग, वह क्या सोच रहा था। सो ही कॉल्डेड, सो मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए, ही कॉल्डेड मतलब होता है अनुमान लगाना, सॉरी कॉल्डेड मतलब यहाँ बुलाया, सॉरी कॉल्डेड का मतलब होता है बुलाया। ऑल हिज ऑफिसर्स यानी उसके जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे थे उसे बुलाया। एंड सर्वेंट यानी जो सर्वेंट काम कर रहे थे उसको भी बुलाया। एंड आस्केड हिम टू टेल हिम और उससे पूछा और कहा, है ना, टेल हिम कहने को कहा, व्हाट थाउट वाज हिज हार्ट यानी कहा कि बताइए हम क्या सोच रहे हैं, है ना, हमारे हृदय में हम क्या सोच रहे हैं। मेनी ऑफ देस मेड गेसेस, मेनी ऑफ देम उनमें से बहुत सारा जो था, है ना, मेनी ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से बहुत सारा। एंड मेड गेसेस अनुमान भी लगाने की कोशिश किया, है ना, मेड गेसेस यानी अनुमान लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई और उनमें से कोई उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया यानी संतुष्ट। किंग जो था वो बोला कि हम क्या सोच रहे हैं बताइए कुछ। बहुत सारा जो ऑफिसर्स थे सर्वेंट थे सब अपना अपना राय दिया लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है। बट नो वन कुड सेटिस्फाइड उसे कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। द किंग विथ हिज आंसर, है ना, उस राजा जो था किसी का आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर और अपने ऑर्डर दिया किसको, मिनिस्टर्स को, टू फाइंड समवन हु कुड गेसेस हिज थाउट, है ना, फाइंड समवन
समवन हु कुड गेसेस हिज थॉट, यानी मंत्री लोग को भी बुलाया कि बताइए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। वी हैव द मिनिस्टर एक्सट्रीमली द मंथ टू फाइंड दैट पर्सन, है ना। वी गेव द मिनिस्टर एक्सट्रीमली ए मंथ टाइम टू फाइंड दैट पर्सन, है ना। एक पर्सन के ऐसा खोज के लाओ जो हमारे जो आंतरिक भारत की जो बात है, है ना, उसको बता सके। द मिनिस्टर सर्चेज, द मिनिस्टर सर्चेज, सर्च मतलब उसको खोजना शुरू किया। एंड एवरीवेयर, एक बार फिर से, बी गेव द मिनिस्टर्स एक्सट्रीमली ए मंथ टाइम, यानी महीनों भर के लिए समय दिया टू फाइंड डेट पर्सन, है ना। महीनों भर का उसको टाइम दिया गया, है ना, कि उस पर्सन को खोज के लाओ जो मेरा माइंड को भी वो पढ़ सकता है। द मिनिस्टर सर्चेज एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वन हु कुड गेसेस द थॉट इन द किंग इन माउंड, यानी जो राजा किस कोई व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, है ना, तो वो व्यक्ति को भी आप खोज के ला के बता दीजिए, है ना। जैसे ही कुड नॉट फाइंड, यानी जो मंत्री जो थे उनका सर्च करने की कोशिश किया बट वो मिला नहीं। फाइंड इफ एनी वन हु कुड गेसेस द थॉट ऑफ किंग माइंड एज द मंथ, यानी मंथ जो है वाज कमिंग टू क्लोज, यानी खत्म होने के कगार पर था। क्लोज मतलब बंद, कमिंग मतलब कमिंग टू क्लोज, यानी बंद होने के कगार पर था। द मिनिस्टर बिकम क्वाइट डिस्परेट, यानी जब राजा बुलाया तो सब ऐसे मुंह गोद करके ऐसे बैठा हुआ है ना। मिनिस्टर बिकम क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, डिस्परेट मतलब निराश, बिकम मतलब होना, है ना। बट मैंने लेकिन हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय द सेइंग दैट वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। ऑल राइट एट सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। देखिए व्हाट हिज डॉटर, यानी उसका पुत्री चेयर्ड हिम ऑफ द सेइंग डैट, यानी वो खुशी पूर्वक कह रहा था, है ना, ही कुड फाइंड डैट द राइट मैन फॉर द जॉब। ऑल राइट, है ना, ऑल राइट लेट अस सी, हम देखेंगे व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ने कहा। आगे देखते हैं, When the appointed day arrived, यानी उस नियुक्ति का भी दिन आ गया, the minister's daughter, यानी मिनिस्टर का एक पुत्री जो था वो जो चेयर कर रहा था, है ना, कि हम खोज के ला कर के देंगे, है ना। Thought, सोचा, क्या सोचा, home a fool, है ना, एक मूर्खतापूर्वक सोचा, है ना। The man was a expert, मतलब in their farm, यानी एक जो उनके फार्म था, फार्म मतलब होता है बाड़ा, है ना, जिसमें कि जंतुओं को रखा जाता है, उसमें एक शेपर्ड भी था। द यंग वोमैन आस्केड हर फादर टू टेक द शेपर्ड टू द किंग। द यंग वोमैन, एक जो युवा वोमैन है, आस्केड हर फादर, और पिता से पूछा टू टेक, यानी ले जाने के लिए, किसको, शेफर्ड को, यानी जो भेड़ चराता है उसको राजा के पास ले जाने के लिए सोचा। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर चॉइस, यानी उसकी जो पुत्री थी वो दिमाग लगाया कि क्यों ना पिता को हम मदद करें और बताएं कि इस शेफर्ड को ही लेके चले जाइए। अब शेफर्ड मैंने आपको भी पहले भी बता चुका जो भेड़ चराता हो। डॉटर चॉइस बट साइलेंस, अरे बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन वह किसी प्रकार से अपना जो डॉटर थी उस पर ट्रस्ट करता है, विश्वास कर लेता है, और ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, और वह जो ही टुक मतलब ले जाना,
द सेफार्ड यानी किसको ले गया, सेफार्ड को द किंग्स कोर्ट, किंग्स कोर्ट, किंग्स कोर्ट में ले गया है ना। द कोर्ट हैज ऑलरेडी एज्यूम्ड, द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड यानी जो कोर्ट था वो पूर्णतः चालू हो गया था है ना, असेंबल्ड था, सभा लगा हुआ था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सेफार्ड टू द किंग, दो जो मिनिस्टर था प्रेजेंटेड किया किसको, सेफार्ड को, से प्रेजेंटेड मतलब उपस्थित किया। टू द किंग व्हेन द सेफार्ड लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द किंग, व्हेन मतलब जब, जब द सेफार्ड लिफ्टेड हिज आइज यानी जब वो अपना नज़र खोला और देखा किसको, लुक एट द किंग, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर यानी उठाया एक फिंगर ऐसे करके उठाया, कौन उठाया, किंग। एट दिस द सेफार्ड हेल्ड टू फिंगर, जैसे ही राजा एक फिंगर को दिखाया है तो सेफार्ड जो था डबल फिंगर को दिखा रहा है ना। द सेफार्ड हेल्ड टू फिंगर देन द किंग हेल्ड ऑफ थ्री फिंगर यानी राजा जो है तीन फिंगर को दिखाता है। बट लेकिन एट दिस द फूल शॉप यानी ये जो ऐसा लग रहा था जैसे मूर्खतापूर्ण कोई काम चल रहा है ना, कोई एक दिखा रहा है तो कोई दो, जब दो दिखाया तो तीन दिखा रहा है, तो मूर्खतापूर्ण ये जो था फुल शॉक हिज हेड वायंटली एंड टायर्ड टू रन अवे है ने, वो भागने की भी कोशिश किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, मिनिस्टर समझ नहीं पाया कि आखिर वो भागा क्यों यानी ट्राई टू रन अवे यानी वो भागने की कोशिश किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी मिनिस्टर जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे व्हाट हैपेंड यानी हुआ आखिर क्या, यानी राजा एक दिखाया तो जो सेफर्ड था दो दिखाया, अब दो जब सेफर्ड दो दिखाता है तो वो तीन दिखाता है, और वो जैसे ही तीन दिखाता है राजा वहाँ से वो रन अवे हो जाता है यानी भाग जाता है। ही बेगेड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम यानी जो मिनिस्टर थे वो भी चकाचौंध रह गए कि हुआ गया, उसने राजा से बेग किया अनुरोध किया कि आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए बताइए। आगे व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, राजा अब एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, व्हेन मतलब जब, आई हेल्ड अप वन फिंगर जब मैं एक उंगली उठाया, और यह का किसने कहा, कौन कह रहा है, किंग कह रहा है, सेड द किंग यानी राजा कहें। आई आस्केड द मैन, मैंने पूछा, वेदर आई एलॉन आई किंग यानी मैं ही एक राजा हूँ क्या, वाई होल्डिंग अप टू फिगर है ना, By holding up two figure यानी उसने दो फिगर को दर्शाया। He remind me, वह उसने बताया मुझे यानी याद दिलाया, फिर से याद दिलाया है ना, that मैंने की। There is also God यानी केवल आप ही शक्तिशाली नहीं हो सकते है ना, एक और है ना, एक तो पहले से आप हो और दूसरा कौन है, भगवान। He remind that there is also God यानी भगवान भी हैं है ना, भगवान भी शक्तिशाली हैं आपसे। Who is at least as powerful as I am यानी who is at least powerful as I am यानी मेरे समान जो है ना कौन मतलब पावरफुल है। Then I asked it, मैंने उससे पूछा है ना, Whether there was a third यानी जैसे ही मैंने तीन उठाया, he strongly denied यानी मतलब जो violently रूप से वो जो भागा था वो बता रहा था कि वो deny कर रहा है, आपसे सहमत नहीं है। he strongly
यानी तीन जैसे दिखाया वो भाग गया। ही आ स्ट्रांगली डिनाइड टू, यानी इनकार कर दिया। स्ट्रांगली डिनाई, स्ट्रांगली डिनाई का मतलब होता है, मतलब डिनाई मतलब तो इनकार करना, स्ट्रांगली मतलब जोर तोर से इनकार करना। द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड, यानी तीसरा कोई नहीं है ना, तीसरा कोई नहीं है। दिस मैन रियली रीड थाउट, वह जो व्यक्ति है वो मेरी थाउट को समझ सकता था, है ना, समझा। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा था। डैट की आई एलॉन वाज पावरफुल, मैं ही केवल एक क्या हूँ, पावरफुल हूँ। बट ही हैज रिमाइंडेड मी, यानी उसने मुझे ये रिमाइंड करवाया, है ना, याद करवाया कि डैट मी मतलब मुझे, है ना, डैट मैंने कि देयर इज ऑल्सो गॉड, यानी भगवान भी है। बट नॉट थर्ड, यानी तीसरा कोई नहीं है। और भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, है ना, समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसका आंसर भी दे सकते हैं बाहर कमेंट बॉक्स में, आप आंसर भी इसका दे सकते हैं। व्हाट डिड द किंग थिंक हिमसेल्फ, यानी राजा अपने आप को क्या समझ रहे थे, है ना। द किंग थाउट वन ऑफ द पावरफुल इन द वर्ल्ड। व्हाट डिड द किंग वाज वांट टू हिज ऑफिसर एंड सर्वेंट टू फाइंड आउट। देखिए इसको किताब में खोज करके लिखना होगा, है ना। वो किंग जो है ऑफिसर और सर्वेंट को क्या फाउंड आउट करने की कोशिश, फाइंड आउट करने की कहा था, क्या करने कहा था, है ना। उसको माइंड को पढ़ने कहा था और एक ऐसे पर्सन को सर्च करने के लिए कहा था कि जो उनके थाउट को भी पढ़ सकता है। हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर, यानी कितना समय के लिए दिया था, तो 1 महीना के लिए दिया था। आप इसको लिख सकते हैं वन मंथ अलाउड टू हिज मिनिस्टर वाई द किंग। हाउ मच फिंगर डिड ही द किंग राइज द सेकेंड टाइम, यानी कितना वो कितना उंगली उठाया था वो, है ना। तो वो दो उठाया था और ये तीसरा में क्या हो गया, पहले तो राज किंग एक उठाया तो वो दो, अगर फिर किंग तीसरा उठाया तो गायब हो गया था। द सेकेंड टाइम वो थर्ड उठाया था ना, तीन फिंगर, कितना फिंगर, 3 फिंगर्स। और भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, नीचे देखते हैं, सॉरी। ट्रू फॉल्स भी बताना है। द किंग वाज इंडेड रिच एंड पावरफुल, है ना, क्या राजा जो था इंडेड रिच और पावरफुल था, सही है ना। द मिनिस्टर था डॉटर हेल्पड हिज फादर, अपने पिता का हेल्प किया, ये भी सही है। द मिनिस्टर वाज द कॉन्फिडेंट, यानी मिनिस्टर कॉन्फिडेंट थे कि शेफर्ड वुड गेसेस करेक्टली। व्हाट वाज देयर द किंग हार्ट, यानी जो कॉन्फिडेंट था मिनिस्टर भी कॉन्फिडेंट था कि शेफर्ड जो बोलेगा उनको क्या विश्वास होगा। और इसमें क्या बोल सकते हैं कि वो पहले से ही सोच रखा था ना कि एक जो सेफर्ड है वो बता पाएगा कि नहीं बताएगा, कॉन्फिडेंट में था कि नहीं था, वो कॉन्फिडेंट में था, है ना। द फूल कुड रियली रीड द किंग माइंड, नहीं गलत है, ये जो है रॉन्ग है, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन आंसर होंगे, आप खुद से करना, बाकी बाद में फिर मैं कराऊंगा। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।